हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर सोशल स्टडीज बुक, ओके, दैट इज़ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, लेसन नंबर वन, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इन हिंदी इट मीन्स, नॉर्दर्न माउंटेन मीन्स उत्तरी पहाड़, ठीक है, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में लाई करते हैं, या हिंदी में आप कह सकते हो कि जो उत्तर में जो माउंटेन्स लाई करते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमने ये चैप्टर कल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि हमारी कितनी रेंजी माउंटेन रेंजेस हैं, टू माउंटेन रेंजेस हैं, ओके। और वो कौन कौन सी थी, एक हमने पढ़ी थी, एक थी हमारी द हिमालयस, ओके, एंड सेकंड थी हमारी काराकोरम। ये दो रेंजेस थी ना, माउंटेन रेंजेस जो थी हमारे इंडिया की, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों किस तरफ में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है हमारे इंडिया की, वहाँ पे ये दोनों रेंजेस जो है वो पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, दिस रेंजेस आर सो हाई दैट दे फॉर्म अ हाई वॉल ऑफ माउंटेन्स। ये रेंजेस जो हैं, यहाँ पे रेंजेस का मतलब होता है कि एक चेन बनाती हैं इनमें, ये जो हिमालयस या काराकोरम रेंजेस हैं इनमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स जो हैं वो पाई जाती है ना, ये पढ़ा था हमने कल। और ये माउंटेन्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक दीवार का काम करते हैं, एक वॉल की तरह जो है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नॉर्थ साइड में, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमें क्या करते हैं, सेपरेट करती हैं, ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था हिमालयन रेंजेस के बारे में, हमने पढ़ा था कि जो हिमालयन रेंजेस हैं उनको क्या बोला जाता है, जो हिमालयस है उनको, और हम क्या बोलते हैं, ए बॉड ऑफ स्नो, क्या बोलते हैं, ए बॉड ऑफ स्नो। ए बॉड ऑफ स्नो का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पूरा साल बर्फ़ रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ए बॉड ऑफ स्नो। ए बॉड होता है निवास, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ रहती है, जहाँ कहीं पे जैसे हमारा, हम कहते हैं हमारा निवास जो है, हम अपने घर में रहते हैं, है ना, तो वैसे ही निवास जो बोला जाता है इसको, ए बॉड ऑफ स्नो मतलब यहाँ पे किसका निवास है, बर्फ़ का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हिमालयन रेंजेस हैं, जो हिमालयस है, ये क्या है, वर्ल्ड की, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो कौन सी हैं, हिमालयस हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक दो ही माउंटेन रेंजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, बट उन सभी माउंटेन रेंजेस में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, हिमालयस है, कौन सी है, हिमालयस है, ठीक है। और हिमालयस में जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कल भी पढ़ा था कि इन रेंजेस में क्या है, बहुत सारे छोटी छोटी पीक्स पाए, छोटी नहीं मतलब आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, मीडियम साइज, हर टाइप की यहाँ पे पीक्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इनमें क्या है, माउंटेन्स पाए जाते हैं, और उन्हीं माउंटेन्स को मिला के उनको नाम दे दिया गया है हिमालयन रेंजेस, रेंजेस मतलब श्रृंखला, ओके। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द हिमालयन रेंजेस, ठीक है। तो जो ये हिमालयन रेंजेस है, हिमालयन रेंजेस की जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंज जो है इसमें वही बात आ गई कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो उन माउंटेन्स में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो सबसे ऊंची जो पीक है, ठीक है, वो कौन सी है, हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, कौन सी है,
माउंट एवरेस्ट। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। हिमालयन रेंजेस जो है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस हैं, और इन रेंजेस की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंजेस की, ठीक है। ये कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। तो और इसकी हाइट जो है वो कितनी थी, इसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है। कितनी है इसकी हाइट, 8848 मीटर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे लाई करती है, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे, ठीक है ना। जो इन दोनों कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है, नेपाल सिक्किम बॉर्डर, और उस बॉर्डर पे जो है ये माउंट एवरेस्ट की जो पीक्स हैं ये पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें किया था, ये तो आ गई माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंची हिमालयन रेंजेस की जो पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ हमने और भी किया था कि जो इंडिया में सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंजेस की वो कौन सी थी, कल हमने किया था, यस वो थी कंचनजुंगा। कौन सी थी, कंचनजुंगा, ठीक है ना। कंचनजुंगा जो है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस इन इंडिया, ये क्या है, ये इंडिया की इंडिया में है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड में है एंड कंचनजुंगा इज़ इन इंडिया, ओके। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस इन इंडिया इज़ कंचनजुंगा एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट योर हिमालयन रेंजेस, ओके। एंड वन मोर थिंग, द हिमालयन रेंजेस जो ये जो हिमालयन रेंजेस हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, ये हैं आपकी कश्मीर से लेके कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ओके। एंड कश्मीर जो है, कश्मीर कहाँ पे आता है हमारा, वेस्ट में, एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ इन द ईस्ट। मतलब ये कहाँ से स्ट्रेच होती है, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है हिमालयन रेंजेस पाई जाती हैं, ओके। कश्मीर टू अरुणाचल, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है ना। अब जैसे अब हम कई बार बोलते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो ये रेंजेस हैं ये कौन सी हैं, दीज आर द शिवालिक हिल्स, है ना। हम ये कई बार बोलते हैं कि ये कौन सी है, शिवालिक हिल्स है, बट शिवालिक हिल्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, हिमालयन रेंजेस का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा एरिया है, यहाँ ये जो जितने भी माउंटेन्स हैं ये किसके किस रेंज में आती हैं, ये आती हैं हिमालयन रेंजेस में। किस रेंजेस में आती हैं, ये हिमालयन रेंजेस में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे ये आ गया हमारा हिमालयन रेंजेस का, ठीक है, हिमालयस का आ गया। नेक्स्ट हमने इसमें किया था नेक्स्ट जो हमारी रेंज आती है दैट इज़ द काराकोरम रेंज। कौन सी है वो, काराकोरम रेंज, ठीक है। अब जैसे हिमालयन रेंजेस जो हैं उनकी हाईएस्ट पीक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इन द सेम वे वैसे ही जो है काराकोरम जो रेंजेस हैं इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है K2, और यह उसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन अस्टिन, क्या बोलते हैं, गॉडविन अस्टिन, ठीक है, K2 या उसको हम बोलते हैं गॉडविन अस्टिन। ये क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, काराकोरम रेंज की, ठीक है। और ये जो काराकोरम रेंज है ये कहाँ पे लाई करती है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे जो है ये रेंजेस जो हैं वो फैली हुई है, ठीक है ना। मतलब इन इन एरियाज पे जो है ये रेंजेस पाई जाती है, कौन सी, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, ओके। इंडिया पाकिस्तान और चाइना को जो बॉर्डर है यहाँ पे जो है जितने भी माउंटेन्स पाए जाते हैं वो माउंटेन्स जो है वो कौन सी रेंजेस में आती हैं, काराकोरम रेंजेस में। कहाँ पे आती हैं, काराकोरम
रेंजेस पे, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो काराकोरम रेंजेस हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं इंडिया में, ये पाई जाती हैं इन जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये काराकोरम रेंजेस जो हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो हमने कल ये पढ़ा था कि ये जो हिमालयस हैं या ये जो काराकोरम रेंजेस हैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस, कि ये दोनों अलग अलग रेंजेस हैं। काराकोरम रेंज जो है ये अलग है, एंड जो हिमालयस है ये अलग है। बट के जब हम कई बार स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, काराकोरम रेंज को भी हिमालय का ही पार्ट बना देते हैं, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि काराकोरम रेंज जो है वो कहाँ पे है, हिमालयस में है, और हम इसको क्या करते हैं, क्लब करके पढ़ते हैं, मतलब इकट्ठा करके पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेंजेस क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट नहीं करती हैं। काराकोरम रेंज अलग है एंड हिमालय रेंज जो है वो अलग है, ठीक है ना। हिमालय रेंज में अलग माउंटेन्स आते हैं और काराकोरम रेंज में अलग माउंटेन्स आते हैं। काराकोरम रेंज जो है वो अलग जगह पे है एंड जो हिमालयस है ये कहाँ पे अलग है, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है हम साथ में नहीं पढ़ सकते, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो हिमालयस है इसके पैलर में थ्री रेंजेस बनती हैं, ठीक है ना। ये भी हमने कल किया था कि हिमालय के जो पैलर में थ्री रेंजेस बनती हैं, और वो रेंजेस कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी हमारी द ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री, ठीक है। सेकंड थी हमारे पास द लेसर हिमालयस, द लेसर हिमालयस, ठीक है। लेसर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन हमारे पास आती थी द शिवालिक, ओके। शिवालिक को हम क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस, ठीक है। तो आज हम इन्हीं रेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो है ये हिमालयस का ही पार्ट है, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, ग्रेटर हिमालयस के बारे में, लेसर हिमालयस के बारे में, एंड द शिवालिक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटर हिमालयस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे द ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, ठीक है। या उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री भी जो है वो किसको बोला जाता है, ग्रेटर हिमालयस को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर हिमालयस हैं या जो हिमाद्री है, ठीक है, हिमाद्री इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। हिमालयस की जो सबसे हाईएस्ट रेंज है वो क्या है, हिमाद्री। हिमाद्री क्या है, हाईएस्ट रेंज ऑफ, हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, ठीक है। अब हाईएस्ट रेंज से हमारा मतलब क्या है, हाईएस्ट रेंज का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इस रीजन में पाए जाते हैं। हिमाद्री रीजन जो है इस रीजन में सबसे ज़्यादा माउंटेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हिमालयस है तो हिमालयस की भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो होएगी, है ना। तो अब जैसे ये ग्रेटर हिमालयस है तो ग्रेटर हिमालयस जो है ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है नॉर्थ में। कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ साइड में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो माउंटेन्स हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, मतलब नॉर्थ में ही सबसे ज़्यादा माउंटेन्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर जो है ये नॉर्थ में है ना। तो आप देखो कि हमारे यहाँ पे भी कितनी सारी माउंटेन्स जो है वो पाई जाती है ना, बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े पहाड़ हैं, काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, नॉर्थ में।
और जो ग्रेटर हिमालयस है ये भी कहाँ पे है, ये कौन से एरिया में आता है, नॉर्थ में, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, हिमालयस की सबसे हाई रेंज जो है वो किसको बोला जाता है, ग्रेटर हिमालयस को, हिमाद्री को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा माउंटेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो हिमाद्री है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है अबाउट 6,000 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 6,000 मीटर, किसकी, हिमाद्री की, ठीक है। कितनी है इसकी हाइट, 6,000 मीटर, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ में लाई करता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। और जितनी भी पीक्स हैं, ओके, जैसे हमारी माउंट एवरेस्ट आ गई, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, और है एक अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। और भी बहुत सारी पीक्स हैं जो हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, वो जो है वो कहाँ पे लाई करती हैं, वो इसी एरिया में, इसी रीजन में जो है लाई करती हैं, हिमाद्री रेंजेस में ही जो है वो लाई करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ है, नॉर्थ में है, हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट भी नॉर्थ में है, कंचनजंगा भी नॉर्थ में, अन्नपूर्णा भी नॉर्थ में है, ठीक है। और नॉर्थ में जो है कौन सी रेंज आती है हमारी, ग्रेट हिमालयस की, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस की रेंज आती है। और इसीलिए ये जो माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा है और ये जो अन्नपूर्णा है, ये कहाँ पर लाई करते हैं, ये लाई करते हैं हिमाद्री रेंजेस में, ग्रेटर हिमालयस रीजन जो है यहाँ पे ही ये सारी पीक्स जो हैं ये लाई करते हैं, ठीक है। इस रेंज में जितनी भी पीक्स हैं, जितने माउंटेन्स हैं, वो क्या हैं, काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है ना। हाई माउंटेन्स जो हैं वो इसी रेंज में पाए जाते हैं, जितने भी हाई माउंटेन्स हैं वो जो हैं वो नॉर्थ रीजन में पाए जाते हैं, मतलब कि ग्रेटर हिमालयस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ के इस रीजन में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इधर और भी इम्पोर्टेंट पीक्स पाई जाती हैं। ये तो हमने मेन बात की कि हाईएस्ट पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या अन्नपूर्णा, ठीक है, ये तो आ गई, मेन आ गई, लेकिन इनके अलावा कोई कुछ और भी पीक्स हैं, जैसे हमारे पास आ जाती है नंदा देवी, ठीक है, कामेत, पुंछ, ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ का नाम सभी ने सुना है ना, चोखंबा, ठीक है, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, त्रिशूल, ठीक है, और एक है एंड नंदाकोट, ये सारी क्या है, पीक्स हैं, ठीक है, ये सारी क्या हैं, चोटियां हैं जो कहाँ पे पाई जाती हैं, ग्रेटर हिमालय रीजन में पाई जाती हैं। जैसे हमें नंदा देवी आ गई, कामेत आ गई, पुंछ आ गई, केदारनाथ है, ठीक है, चोखंबा है, धौलागिरी है, त्रिशूल है, नंदकोट है, ये सारी क्या हैं, हमारी पीक्स हैं, ठीक है। और ये पीक्स जो हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी की सारी पीक्स जो हैं ये ग्रेटर हिमालय जो रीजन है वहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे है, नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे है, ठीक है, और ये क्या है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था और आज फिर से हमने इसको रिवाइज़ किया कि कंचनजंगा जो है वो क्या है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है, किसकी, हिमालयन रेंजेस की, जो हिमालयन रेंजेस है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है इंडिया में वो कौन सी है, कंचनजंगा है। और वो कहाँ पे लाई करती है, वो लाई करती है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो हिमालयन रेंजेस है यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का पता है ना सभी को, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ़ के पहाड़, जिनको हम बोलते हैं कि माउंटेन ऑफ स्नो,
ठीक है, आप इनको बोल सकते हैं माउंटेन ऑफ स्नो। यहाँ ये किससे बने होते हैं, ये सिर्फ स्नो से बने होते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि ये जो हिमालयन रेंजेस है यहाँ पे हमें बहुत सारे जो हैं ग्लेशियर्स मिलते हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्लेशियर से क्या होता है, रिवर्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं, इन्हीं ग्लेशियर से जो है वो रिवर्स बनते हैं। रिवर्स कैसे बनते हैं ग्लेशियर से, क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो हिमालयन रेंजेस है वहाँ के जो पीक्स हैं वो क्या है, पूरा साल स्नो से कवर रहती है ना, पूरा साल वहाँ पे स्नो ही रहती है। अब वो स्नो मेल्ट भी तो होती है, जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पुरानी स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना भी स्टार्ट होती है, और जब वो मेल्ट होती है तो उन्हीं के वाटर से क्या हो जाते हैं, वो रिवर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। वो एक ही जगह पे जब वो मेल्ट होते जाते हैं, मेल्ट होते जाते हैं, नई स्नो गिरती जाती है, पुरानी स्नो मेल्ट होती जाती है, ठीक है, और पूरा साल वहाँ पे क्या रहती है, स्नो रहती है। तो अब उन्हीं से क्या होते हैं, ग्लेशियर से क्या बन जाते हैं, रिवर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रिवर्स बन जाते हैं, ठीक है। और दो जो मेन रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, वो कौन कौन से रिवर्स हैं, वो हैं आपके गंगा एंड जमुना, ठीक है। ये दो जो हैं ये मेन रिवर्स हैं, और ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से, ठीक है। अब जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर एक्चुअल में होता क्या है, तो ग्लेशियर जो है वो क्या है, एक बर्फ का, जिसे हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो क्या है, पहाड़ है, ठीक है ना, स्नो का, स्नो के माउंटेन है, ठीक है। और ये जो स्नो होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे स्नो जो है वो पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे वो स्नो क्या होती जाती है, हार्ड होती जाती है। जो नई होती है वो तो इतनी हार्ड नहीं होती, बट जो पुरानी होती जाती है, जो क्योंकि पहले स्नो पड़ी उसके ऊपर और पड़ गई, उसके ऊपर और पड़ गई, जो सबसे पहले पड़ी थी वो क्या हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या बनता जाता है, एक माउंटेन बनता जाता है, किसका, स्नो का, ठीक है। और उसी माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, फिर ग्लेशियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। अब ग्लेशियर जो है ये लैंड पे बनता है, ठीक है ना। अब चाहे पीक्स है, माउंटेन्स है तो लैंड ही है ना, पानी थोड़ी है। जो एक ग्लेशियर जो है ये लैंड में बनता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जब और ज़्यादा स्नो पड़ती जाती है, और ज़्यादा स्नो पड़ती जाती है, जो सबसे नीचे वाली स्नो होती है उसके ऊपर स्ट्रेस होता है ना, उसके ऊपर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि वो स्नो जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्या बन हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से वो स्नो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर मेल्ट होने की वजह से वो जब फ्लो करती है तो उसी के वाटर से क्या बन जाते हैं, रिवर्स बन जाते हैं, ठीक है। गंगा और जमुना तो मेन रिवर्स आ गए, बट और भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं जो कि हिमालय से निकलते हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और वो किस वजह से हैं, इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पूरा साल स्नो रहती है, और स्नो जब मेल्ट होती है तो वो किसका, किसकी शेप ले लेती है, रिवर्स की, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है हिमाद्री में वो कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं हिमाद्री रीजन के, वो आ जाते हैं हमारे पास, गंगोत्री आ गया, ठीक है, चतुरंगी, चतुरंगी, ठीक है, चतुरंगी के बाद हमारे पास आ जाता है भगीरथी, भगीरथी, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर्स के नाम है, ठीक है, खड़क, ठीक है, कामेत एटसेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो हैं वो ग्लेशियर्स जो हैं वो हिमाद्री रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गंगोत्री आ गया, चतुरंगी आ गया, भगीरथी आ गया, खड़क आ गया, कामेत आ गया, ये सारे क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और ये ग्लेशियर्स जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाद्री रीजन में ये ग्लेशियर्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका हिमाद्री रीजन, हिमाद्री के, ग्रेटर हिमालयस के बारे में, हिमाद्री रीजन के बारे में, ठीक है ना, कि हिमाद्री जो रीजन है, जहाँ ग्रेटर हिमालयस का जो रीजन है ये क्या है, वर्ल्ड की
हाईएस्ट रेंज जो है हिमालय की वो किसको बोला जाता है? ग्रेटर हिमालयस को। किसको बोला जाता है? ग्रेटर हिमालयस को। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा माउंटेन्स जो हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे? ग्रेटर हिमालयस में ही पाए जाते हैं। और हिमाद्री जो है इसकी एवरेज हाइट कितनी है? वो थी 6,000 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से इसकी जो एवरेज हाइट थी वो कितनी थी? 6,000 मीटर, ठीक है। और ये जो रेंज है ये कहाँ पे लाई करती है? नॉर्थ में। कौन से साइड पर लाई करती है? ये नॉर्थ में लाई करती है। और यहाँ पे बहुत सारे पीक्स जो हैं ऊंची ऊंची या हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट आ गई, कंचनजुंगा आ गई, अन्नपूर्णा आ गई। हाईएस्ट पीक्स जो है ये कहाँ पे पाई जाती हैं? सारी की सारी हिमाद्री में, ठीक है। और इस रेंजेस में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं ग्लेशियर्स से फिर क्या होते हैं? रिवर्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और टू मेन रिवर्स हमने डिस्कस किए जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, वो आगे हमारे गंगा और जमुना, ठीक है। गंगा और जमुना जो रिवर हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? वो ओरिजिनेट करते हैं हिमालय से, ठीक है। और वैसे ही बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो हिमाद्री रीजन में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा गंगोत्री आ गया, चतुरंगी आ गया, भागीरथी आ गया, खड़क आ गया, कामेत आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर्स होते क्या हैं? ग्लेशियर्स क्या होते हैं? माउंटेन ऑफ स्नो। स्नो के जो पहाड़ होते हैं उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये किससे बने होते हैं? स्नो से बने होते हैं। जब स्नोफॉल होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था हिमालय में पूरा साल क्या होता है? स्नोफॉल होता है। तो उसी स्नोफॉल जब वो इकट्ठा होता जाता है, तो उससे क्या बन जाते हैं? उनके माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड द माउंटेन्स ऑफ स्नो, एंड माउंटेन्स ऑफ स्नो आर ऑल्सो नोन एज द ग्लेशियर्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर्स बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द ग्रेटर हिमालयस, और यू कैन से दैट अबाउट द हिमाद्री, ओके। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द लेसर हिमालयस, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में करेंगे? द लेसर हिमालयस के बारे में, ओके। और इनको हम क्या बोलते हैं? हिमांचल, हिमांचल, ठीक है ना, हिमांचल। हिम का मतलब होता है स्नो या बर्फ, और आंचल होती है जो जिसे हम बोलते हैं गोद, ठीक है ना। गोद गोद बोलते हैं हम, लैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, बर्फ की गोद हिंदी में इसका अगर हम कोलैबोरेट मीनिंग करें तो, ठीक है। तो लेसर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? हिमांचल, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिमांचल, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालयस थे वो कहाँ पे लाई करते थे? नॉर्थ में, ठीक है। बट जो लेसर हिमालयस हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं? ये लाई करते हैं हमारे साउथ में। कहाँ पे लाई करते हैं ये? साउथ एरिया में, जो साउथ जो साइड है, साउथ साइड है जो हिमालयस की, वहाँ पे जो है, वहाँ की जो रेंजेस हैं उनको क्या बोला जाता है? लेसर हिमालयस। क्या बोला जाता है? लेसर हिमालयस, या फिर उनको हम हिमांचल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांचल, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है? इसकी हाइट है 3,500 मीटर्स एबव सी लेवल। सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3,500 मीटर्स, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करता है? साउथ में लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरिया है या ये जो रेंज है, लेसर हिमालयस जो रेंज है, यहाँ पे हमें क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस में हमें पीक्स पाई जाती थी, है ना, वहाँ पे पीक्स थी, ऊंची ऊंची चोटियाँ थी, बट यहाँ पे क्या है? वैलीज हैं। वैलीज क्या होती हैं? घाटी, ठीक है। वैलीज क्या होती हैं? घाटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं? लेसर हिमालयस में हमें वैलीज मिलती हैं, बहुत सारी वैलीज जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। और इनमें से जो फेमस वैली है, फेमस वैली कौन सी है लेसर हिमालयस की? वो है हमारी डन वैली। कौन सी है? डन वैली। डन वैली इज़ द फेमस वैली इन द लेसर हिमालयस और हिमाचल रेंज,
ठीक है, हिमाचल रेंज की जो सबसे फेमस वैली है वो कौन सी है, डन वैली है। ठीक है, और यहाँ पे हमें वैलीज ही मिलती हैं, ठीक है, वैलीज ही जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस, क्योंकि जो ग्रेटर हिमालयस है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है ग्रेटर हिमालयस में बहुत ऊंची ऊंची पीक्स पाई जाती हैं, एंड इन द लेसर हिमालयस में वी फाइंड द सेवरल वैलीज। ओके, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, जो यहाँ की फेमस वैली है वो कौन सी है, डन वैली है। अब ये जो लेसर हिमालयज है यहाँ पे क्या होता है, विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल होता है, जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे जो है स्नोफॉल होता है, ठीक है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो उस टाइम क्या होता है, ये जो स्नो होती है ये मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना, मेल्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरा साल स्नोफॉल नहीं होता जैसे वहाँ पे होता था, यहाँ पे पूरा साल स्नोफॉल नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है सर्दियों में स्नोफॉल होता है, एंड गर्मियों में, समर में क्या होता है, ये स्नो जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद जो है वो कहाँ पे, रिवर्स में फ्लो कर कर जाती है, ठीक है ना, और वो पानी जो है वो रिवर्स में फ्लो हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और इस रेंज की जो साउदर्न, साउथ में जो स्लोप्स हैं, स्लोप क्या होती हैं, ढलाने, ठीक है, साउदर्न स्लोप्स जो हैं, क्योंकि ये साउथ में है, ठीक है ना, तो जो साउदर्न स्लोप्स हैं, स्लोप्स होती ऐसा वाला जो एरिया, ये जो एरिया होता है, ठीक है ना, ऐसे जिसे हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है, तो जो साउदर्न स्लोप्स हैं वो क्या हैं, आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ये किससे ढकी हुई हैं, डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत घने जो हैं जंगल पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, और इन जंगलों में जो है वो किसके पेड़ पाए जाते हैं, देवदार एंड पाइन ट्रीज, ठीक है ना, यहाँ पे जो है देवदार और पाइन ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पे, जो साउदर्न स्लोप्स हैं, हिमाचल की जो साउदर्न स्लोप्स हैं वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और उन फॉरेस्ट में जो है पाइन ट्रीज और देवदार ट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, ठीक है, बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं हिमाचल, जहाँ लेसर हिमालयस के, यहाँ पे लोग जो हैं वो गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं, क्यों क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में जब प्लेन एरियाज़ में जो है उस टाइम पे क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है ना, इसीलिए लोग जो है गर्मी से बचने के लिए यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए जो हिल स्टेशंस पे जाते हैं, ठीक है ना, तो कुछ फेमस हिल स्टेशंस जो यहाँ पे पाए जाते हैं लेसर हिमालयस में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, फेमस हिल स्टेशंस जो हैं वो कौन से हैं, वो है हमारे पास श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, ठीक है, उसके बाद है